नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है जो कार्तिक महीना में करते। कार्तिकेश्वरी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। और ये महीना का एक नाम भी ऊर्जा व्रत है, राधा दामोदर व्रत। अलग 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 नाम से ये व्रत को पुकारा करते हैं। और विशेष करके इसी महीना की अधिष्ठात्री देवी ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश है। मूल प्रकाश कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते जिस समय राधा रानी प्रकाशित तो होती हैं, कहते जिनकी प्रकाश इतने प्रभाव युक्त है वो कृष्ण को भी अपना प्रकाश से ढक देती है। ढकने का नाते हैं, कहते जो श्याम रंग है जो प्रकाश, कहते गौरव प्रकाश में वो मिलित तो हो जाती है। इसलिए कलयुग में, इसलिए स्वयं कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव और प्रेम को लेकर के और उनके अंग कांति लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में जगत में प्रकटित तो होते हैं। कारण क्या है? राधा जी की इतने प्रकाश, राधा रानी की इतने महिमा है। बोले साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, जिनकी महिमा को कृष्ण स्वयं नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि। और विशेष करके जो श्रीमती राधा रानी बहुत दयालु, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु। थोड़ी सी अगर कोई भक्ति करे राधा रानी, थोड़ी सी भक्ति से ही राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन में भजन करने आए, कहते भक्ति का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कहते जैसे वृक्ष में फल हो ना, जिस वृक्ष में फल हो देखना वो वृक्ष अपने आप झुक जाती है, और जिसमें फल नहीं हो देखना वो एकदम पूरा सर ऊंचा करके खड़ा रहता है। हैं? इसलिए भक्ति के एक लक्षण है। अब देखो ना, जितने हमारे गौड़ीय संप्रदाय में संत हुए हैं, कहते तोद भृत्य 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 इति स्मरमाम लोकनाथ। हे ठाकुर जी, हमें अब किस रूप में चिंतन कर, बोले तुम्हारी सेवक के सेवक के सेवक के सेवक रूप में हमें आप स्वीकार करो। जितने बड़े संत, रूप गोस्वामी जैसे, सनातन गोस्वामी जैसे महाप्रभु, राधा रानी से और भक्त कौन हो सकता है बड़ा? राधा रानी कहती हैं मेरे अंदर में प्रेम का तो एक बूंद तक भी नहीं, प्रेम गंधस्ते अपि, बोले प्रेम का कोई गंध तक भी मेरे अंदर में है ही नहीं। राधा रानी जैसे व्यक्ति कहते हैं। अगर कोई कहता नहीं हम तो बहुत बड़े भक्त है, हम तो बहुत बड़े भक्त है, इसका मतलब भक्ति का भाव भी हमारे अंदर में नहीं है। इसका ये प्रमाण है। इसलिए कहते रूप गोस्वामी जब सब छोड़ करके वृंदावन में भजन के लिए आए, एक दिन बड़े दुखी होकर के बैठे। बोले क्यों? बोले मैंने इतने राजपाट छोड़ छाड़ करके मैंने वृंदावन में भजन करने के लिए आया हूँ, अभी तक तो राधा रानी की कोई अनुभूति नहीं हो रही है। राधा रानी कोई अनुभूति नहीं, कौन कह रहे? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन है? कहते ये रूप मंजरी। और हमारी संप्रदाय के जो सबसे बड़ा जो रस तत्व को जो स्थापन करने वाले श्री रूप गोस्वामी, वो कहते हैं भोजन करके जीवन धारण करके क्या लाभ है? अगर ये जीवन में भक्ति अगर नहीं हो पाए तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। तभी जीवन धारण करे कर जब भगवान की भक्ति हो। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं,
कहते भस्राम कि न ससंतुता न महंती न खादंती किम ग्राम पसव अपरे। मतलब अगर ये जीवन धारण करना तो कि मशीन भी तो श्वास प्रश्वास लेता है, अगर खाना पीना अगर जीवन का सबसे बड़ा होता कौन नहीं खाता बोलो, दुनिया सब चींटी से लेकर हाथी तक खाते हैं। न मेहनती, अगर केवल बच्चे जन्म देना ही जीवन का सार्थकता हो तो क्या सुअर बच्चे जत देते नहीं, दस दस बीस बीस बच्चे जते रहे। लेकिन जीवन का जो सार्थकता है भगवान की भक्ति में, ये नहीं तो जीवन का कहते कोई जीवन का महत्व नहीं है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं के ना बा अच्छा प्राण के सुख लगिया, नरोत्तम दास के ना नागला मरिया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भैया कौन सा सुख के लिए तुम जीवन धारण किया, अगर भजन नहीं किया तो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भैया किस लिए तुमने जीवन धारण कर रखे, अगर भजन नहीं हो रहे हैं फिर क्या करो, ये जीवन को त्याग दे दो। इसलिए मैया कुंती जब उन्होंने सुना कृष्ण ही चले गए उसी समय प्राण त्याग दे दी, उसी समय बोले क्यों, बोले कृष्ण विहीन जो प्राण है वो धारण करने का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी इतने खाना ही पीना छोड़ दी, छोड़ करके बड़े दुखी होकर बैठे हुए। इतने में राधा रानी एक छोटी बालिका बनकर के आई, बोले बाबा बाबा तुम कोई क्यों दुखी, खाना क्यों नहीं खा रहे। बोले लाली इतने बड़े राजपद को छोड़ करके, कहा नवाब का है, नवाब का मंत्री पद में था, फाइनेंस मिनिस्टर रूप में था, और फाइनेंस कहा इतने बड़े पद छोड़ करके अरब खरब रुपया छोड़ करके आया, लेकिन ये भजन ही नहीं हो रहे, फिर ये जीवन का धारण करने का क्या लाभ है, हैं। तो राधा रानी थी, बोले बाबा तू जो ब्रज में वास कर रहे हो ना वो राधा जी की कृपा है, अगर उनकी कृपा नहीं होना ब्रज में कोई वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रजवास भी बहुत बड़ी चीज है, ब्रज में रहना भी बहुत बड़ी वास, बहुत बड़ी बात ब्रज में रहना। कहते दूसरे दूसरे स्थान पर जाओ भगवत स्मरण होना बहुत कठिन है, लेकिन ब्रज में वास कर, बोले ये क्या है, बोले यमुना, यमुना की सारी लीला, ये कौन, बोले सेवा कुंज है जहां पर कृष्ण स्वयं राधा जी के चरण, ये क्या है, बोले राधा दामोदर है, बोले ये क्या, बोले राधा श्याम सुंदर, बोले ये क्या है, बोले मदन मोहनिया है, बोले ये क्या है, बोले निधुवन है। जब उनको केवल स्मरण करते हैं ना, बोले दान गली, मानव गली, कुंज गली और यमुना गली, चार गली। देखो बाहर कहीं जाओ इतना स्मरण अपने आप होता है क्या, वहां पता मन को एकाग्र करके पता नहीं क्या क्या करने पर कहीं अगर प्रभु का स्मरण हो तो एक सेकंड के लिए कहीं भाग जाए। लेकिन वृंदावन में रहते हुए हर समय नहीं चाहने पर भी सबका मुंह में राधे राधे, सबके क्या बोलते हैं, जैसे अपने आप राधे रानी के नाम लेते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्रज में पड़े भी रहे ना कोई व्यक्ति, ये भी बहुत बड़े भाग्य है जो ब्रज में केवल पड़े रहे, ये बड़े बड़े भाग्य की बात है। इसलिए राधा रानी कहती बोले बाबा तू जो ब्रज में रह रहे हो ना, जो केवल ब्रज में रह रहे हो, ये राधा रानी की बड़ी कृपा है जो ब्रज में रह रहे हो, उसकी कृपा के बगैर ये धाम में कोई वास नहीं कर सकता है। हमने देखा अगर कोई उल्टा पुलटा करे ना फिर राधा रानी खदड़ देती है, भगा देती है वृंदावन में, ऐसे कुछ बहाना बनाती है ना, वो ब्रज में रह ही नहीं सकती है, वो रह ही नहीं सकता है, ऐसे कुछ प्लान ही करते हैं। इसलिए वृंदावन में निष्कपट होकर के सरल हृदय से केवल भजन की उद्देश्य में ही वृंद में हमें रहनी चाहिए, नहीं तो राधा रानी यहाँ पर तुम्हें स्थान नहीं देगा चाहने पर भी। हमने देखा बड़े बड़े जो ज्ञानी बड़े बड़े जो संत लोग मैंने देखा है वो भी लास्ट समय में चाहते हैं, लास्ट समय में हमें ब्रजवास मिले और ब्रज में ही शरीर त्याग, उनको नहीं, किसका तो एरोप्लेन में शरीर छूट गया, किसका तो और पता नहीं कहीं गए तो अपने आप शरीर छूट गया, लेकिन वृंदावन में उनकी शरीर, वृंदावन शरीर नहीं छोड़ सके। अगर राधा जी की कृपा नहीं हो ना ब्रज में शरीर छोड़ना भी बड़ा भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है। इसलिए जो हम लोग जो कार्तिक महीना में एक महीना आकर के ये ऊर्जा व्रत में फिर गिरिराज की तलेट में गुरु जी की भजन स्थली पर यहाँ पर जो रह करके हम लोग जो व्रत पालन कर रहे हैं ये बहुत बड़ी भाग्य की ये बात है जो केवल हम यहाँ पर रह ही रहे हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे श्री गिरिराज की
अलग अलग दृष्टिकोण से ये गिरिराज क्या महिमा है, गिरिराज वास कैसे, हमारी सारे संतों ने कैसे गिरिराज वास किया है, राधा कुंड, फिर राधा कुंड पास में ही राधा कुंड है। इसलिए देखो सनातन गोस्वामी क्या करते थे, रहते थे वृंदावन में, रहते थे सनातन मदन मोहन के पास में, लेकिन रोज आते थे ये गिरिराज की परिक्रमा लगाने के लिए, रोज आते थे गिरिराज की पूरी परिक्रमा लगाए, फिर मथुरा में जाकर माधुगुरी ले और वृंदावन में जाकर के भोजन करे, हैं, रोज चल करके आते थे इतने दूर तक, रोज 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 चल करके कितना किलोमीटर होगा समझ लो 50 किलोमीटर रोज, तो 50-50 किलोमीटर चलते थे रोज, हैं, और रोज ये गिरिराज की परिक्रमा करते थे। और जो वृद्ध हो गए तब भी परिक्रमा करना उन्होंने नहीं छोड़े, तब भी अपना नियम को बजाय रखे। लेकिन एक दिन जब परिक्रमा करते करते किसी वृक्ष के नीचे बेहोश होकर गिर गए, स्वयं कृष्ण बलराम प्रकट हुए और भगवान कृष्ण स्वयं इनके सर को अपना गोद में रख कर की और बलदेव प्रभु पर से उनकी छाया कर रहे थे, पंखा चुला रहे थे। जब उनकी होश आए इतने में कृष्ण कहते बोले बाबा अब सारा जीवन परिक्रमा लगाया, अभी तो वृंदावन में रहो भजन करो, अब वृद्ध हो चुके, लेकिन जो साधक जो साधन करता है ना वो साधन में भी आनंद है, साधन में भी आनंद है। इसलिए भक्ति जगत में यही एक जो ज्ञान में वो साधन कठिन है, योग में साधन कठिन, भले ही फल कुछ मिले लेकिन भक्ति जगत में साधन ही बड़ा मीठा है, हैं, हरि कथा सुनना मीठा, कीर्तन सुनना मीठा, हैं, और प्रसाद पाना मीठा, और सब कुछ चीज मीठा ही मीठा है, भक्ति जगत में सभी मीठा है, कहते साधन में भी मीठा है। बोले भैया हम साधन नहीं छोड़ सकते अपना, क्योंकि साधक का जो मेन वस्तु साधन है, हैं, साधन, इसलिए साधन ही मेन वस्तु, भले अपना परिक्रमा नहीं छोड़ सकता हूँ, भले जितने वृद्ध हो गया मैं परिक्रमा छोड़ ही नहीं सकता हूँ। तब कृष्ण ने बोले एक काम करो, मैं तुमको एक गिरिराज शिला देता हूँ। कृष्ण ने बंसुरी बजाई और गिरिराज शिला द्रवीभूत हो गया, कृष्ण स्वयं उसमें चरण रखे, लकुटी अपना बंसुरी और गैया का खोर लगा करके उन्होंने बोले इसको ले जाओ, 4 बार परिक्रमा करोगे तो तुमको संपूर्ण वृंदावन धाम परिक्रमा करने का फल मिलेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी कहा लवंग मंजरी, रोज परिक्रमा करते थे। रूप गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास और रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर, राधा कुंड में जितने गोस्वामी हुए ये सब के सब ये गिरिराज तलहटी में निवास किया, सब के सब। प्रभुपाद भी पूरा 1 महीना आकर के ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, जो कुंज बिहारी गौड़ी मठ राधा कुंड के पास में, वहां पर भी प्रभुपाद रह करके वहां भी साधन भजन करते थे। इसलिए हमारे सारे गुरु वर्ग गिरिराज तलहटी में निवास मांगे, निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वाम, हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके अपना तलहटी में हमें आश्रय दो। इसलिए सारे गोस्वामी ने प्रार्थना की। इसलिए हम लोग जितना दिन रहेंगे कोशिश करेंगे यहाँ पर गिरिराज की रोज कथा सुनने के लिए। इसलिए भागवत में जो एक गीत आया है वेणु गीत, कहते भागवत में 5 गीत है, कितना गीत है, क्या क्या है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, और हो गया वेणु गीत, हाँ। इसलिए भागवत में ये 5 गीत है और ये 5 गीत में एक गीत ही है, कहते ये वेणु गीत है, कहते वेणु गीत में स्वयं राधा रानी और सब सखियां मिल करके ये वेणु गीत को इन लोगों ने गाए है, अद्भुत ये वेणु गीत है। ये वेणु गीत में ही एक श्लोक है, जो श्लोक को राधा रानी और सब गोपियां मिल करके वो गीत में ये गिरिराज की महिमा को ये वेणु गीत में वर्णना करते हैं। कहते तो कौन सा गीत, कौन सा श्लोक है, बोलो जोर से बोलो, अंताय अद्रियबला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण, बोलो उसके बाद में, हाँ। कहती ये जो श्लोक है ना, कहती ये वेणु गीत का ये श्लोक है, ये राधा रानी ब्रज गोपियां ये हंताय अद्री अबला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोद, ये एक श्लोक में गिरिराज के अद्भुत महिमा को गाए।
और इसको बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी टीका लिखे, और इसको ऊपर में हमारे श्री भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज उसको ऊपर में भी उन्होंने की टीका लिखे है, ये एक श्लोक ऊपर में है। इसलिए कहते हंताय अद्रि अबला हरिदास बरज, हंताय मतलब होता है आश्चर्य पूर्वक वा विस्मय पूर्वक है ये श्लोक। हंत जैसे कोई एक आश्चर्य चीज देखते है ना हम लोग, कोई बड़े आश्चर्य चीज हम कहते हैं अरे क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य बोलते है ना, उसी तरह ये श्लोक जो हंताय मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, बोले क्या आश्चर्य की बात है, विस्मय होकर कह रहे हैं अद्रि अबला हरिदास बरज, कहते ये गिरिराज कौन है, बोले ये हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, हैं अबला, अबला मतलब क्या है, स्त्री, स्त्रियों को एक अबला बताया, बोले जिनके अंदर में बल नहीं है, बल नहीं मतलब क्या है, इनको बताया जैसे बचपन में इनको पिता माता के अधीन में रहनी चाहिए, जब बड़े हो जाए इनको पति की अधीन में रहनी चाहिए, जब वृद्ध हो जाए फिर बच्चों के अधीन में इनको रहनी चाहिए, हाँ इसलिए हर समय ये जैसे कि लता है ना, बगैर आश्रय के लता रह नहीं सकती है, इसलिए किसके आश्रय लेना पड़ता है, इसलिए ये गोपियां कह रही है राधा रानी हम तो अबल हमारे कोई बल नहीं है, लेकिन जो बल किसका जिसका है नहीं इसको बल देने वाले कौन है, आश्रय देने वाले कौन है, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन है, ये सबको आश्रय दाता कौन है, श्री गिरिराज गोवर्धन ही सबको ये आश्रय देने वाले, इसलिए हंताय अद्रि अबला हरि, इसलिए इनका नाम कहते हैं हरि, हरि मतलब क्या है, समस्त दुख कष्ट को जो हर ले है, समस्त दुख कष्ट को जो हर ले, अब आप विपत्ति में सबको जो आश्रय देने वाले कौन है, बोले ये श्री हरि है, इसलिए ये गिरिराज कौन है, ये हरिदास वर्ज, ये हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है, श्री गिरिराज गोवर्धन। तो हमारे महाराज हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में इन्होंने ये श्लोक को व्याख्या करते हैं, कहते वो इसमें कहते हैं तीन हरिदास है, कितने हरिदास है, कौन कौन, युधिष्ठिर और उद्धव जी और गिरिराज जी, इसलिए तो गुरुदेव इसमें टीका में लिखते हैं, जब स्वयं राधा रानी कहती हैं गिरिराज गोवर्धन हरिदास बरज, जरूर उसमें भी कुछ विशेष महत्व, कल हम सबको पूछूंगा, ठीक है आज तो सुन लो, कल आप लोगों को पूछूंगा हरिदास क्यों इनको हरिदास बरज बताया, कि तीन हरिदास है लेकिन ये गिरिराज को क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया, थोड़ी थोड़ी कोशिश करना इसको, केवल ऐसे नहीं सुने और निकाल दिया कान से, ठीक है कल भी तुम लोग थोड़ी बताना, ठीक है तो अच्छे तरह से सुन लो, तब तुम बढ़िया से मन लगा कर सुनाओ, ठीक है और सबको नहीं पूछूंगा, जो बड़े बूढ़े होंगे पूछूंगा, जो बच्चों को पूछूंगा, ठीक है। इसलिए पहला नंबर हरिदास श्री युधिष्ठिर महाराज, बोले ये किस चीज के हरिदास है, हरिदास मतलब जो हरि का जो दास है जो सेवक है, इसलिए कहते पांच तरह का भक्त बताए गए, कितने तरह के, पांच तरह का, कौन कौन है, पहले पहला नंबर ज्ञानी भक्त, उसके बाद में शुद्ध भक्त, उसके बाद में प्रेमी भक्त, उसके बाद में प्रेमा पर और एक प्रेमा तो, ये पांच तरह का भक्त जो बृहत भागवत अमृत में जिनको बताया गया, लेकिन ये जो पांडवों को कौन सा भक्त बताया गया, बोलो, हाँ ये प्रेमा पर भक्त है, हैं ये प्रेमा पर भक्त है, पांडव लोग प्रेमा पर भक्त है, देखो गुड्डी सारी बात बता रही है, क्यों बता रही है, नहीं कारण देखो, जब गुरुदेव कथा करते थे ये बचपन से कथा सुन के आ रही है और कथा को नोट करती थी, वो तो भागवत कथा भी करती है, ये भागवत कथा भी करती है, इसलिए हर कथा को उसने नोट की है और नोट करके कोशिश की कथा करने के लिए, बहुत एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए ऐसे ध्यान देकर सुनोगे फिर ये बहुत बड़ी चीज है, क्यों ये भक्त, क्यों ये भक्त, किस लिए ये भक्त है, इसका अंदर में जो भेद है ना, ये बहुत बड़े की फिलोसफी का चीज है, इतना चीज अगर हम समझ गए समझना हमारी सब कुछ समझ में आ गई है, इसलिए कहते ये कौन सा भक्त है, प्रेमा पर भक्त है, इसलिए प्रेमा पर भक्त होने का नाते कहते ये जो पांडव है ये बड़े भाग्यवान है, इसलिए नारद जी स्वयं युधिष्ठिर महाराज बोले, कहते हमारे अंदर में तो कोई भक्ति नहीं कुछ नहीं हमारे अंदर में, तब नारद जी कहते तुम्हें पता है तुम कितने बड़े सौभाग्यवान है, तुमको पता है ये कौन है, कृष्ण
कदी गुड़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, वो जो पूर्ण शुद्ध पूर्ण जो सनातन है, जो अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म और सनातन बताया। ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है वो क्या कर रहा है तुम्हारे घर में? और जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या जोगी होगी कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं, हैं? कितने कठोर, जिनको पाने के लिए कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं। जिस कृष्ण को पाने के लिए कहते यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, बोले कृष्ण की चरण की नख की छटाओं को भी ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, हैं? ऐसे कृष्ण हैं ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चितपद, जिनके चरण को ब्रह्मा शंकर इंद्र और स्वयं गणेश जी भी जिनके चरण की पूजा करते हैं, ऐसे जो भगवान तुम्हारे घर में बैठेंगे, तुम्हारे घर में बैठे होंगे, किसको सखा बना दिया, तुम्हारे पास साथ में पासा खेलते हैं, हंसी दिलाई करते हैं, तुम्हारे साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, इनकी महीना कब पता चलेगा? सवेरे उठ कर देखना तुम्हारे घर को सामने लाइन करके ऋषि लोग खड़े रहते हैं, लाइन करके ऋषि लोग खड़े रहते हैं, कब कृष्ण का एक झलक दर्शन हो जाए। ऋषि मुनि लोग यद्यपि देखने के लिए क्या लगता है, ऋषि मुनि त्यागी और तुम गृहस्थ हो, तुम गृहस्थ हो, लेकिन जो भक्ति में ना गृहस्थ त्यागी में भेद नहीं है, जो जितने भक्ति करता है उतना बड़ा है, जो जितना जहां पर भक्ति करता है ये मत समझो हम सब गृहस्थ है, नहीं, भागवत में सारी गृहस्थ ही कथा आती है, त्यागी कथा कितना आती है, चैतन्य भागवत देखो गृहस्थ की कथा आती है, क्यों? ये घर में रहते हुए भी ठाकुर जी के प्रति बड़ी इनकी प्रेम थी, भक्ति थी, हैं? इसलिए कहते दरवाजे को सामने ऋषि मुनि लोग लाइन करे खड़े रहते, अब वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, तुम्हारे घर में किसको सखा बना दिया, किसको बुआ बना दिया, किसको भैया बना दिया, इसलिए भैया तुम लोग साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े भाग्यवान तुम हो, हैं? बड़े भाग्यवान, कहते ना घर के जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध, इसे तुम साधारण मत समझो, बड़े सौभाग्यवान हो। इसलिए इनके अंदर में जैसे अर्जुन कृष्ण का प्रिय सखा, जिनको उद्देश्य करके उन्होंने भगवत गीता उन्होंने गीता श्रवण कराया है, इसलिए कहते ये अर्जुन कृष्ण का कितने प्यारे भक्त है। इसलिए जब नारद जी एक दिन पहुंचे द्वारका में, हस्तिनापुर में कभी बैठ पहुंचे, देखा एक बेड के ऊपर में अर्जुन सोए हुए और एक बेड के ऊपर में कृष्ण भी लेटे हुए, और कृष्ण का प्यार अर्जुन के सर के तरफ में और कृष्ण का जो प्यार है ना अर्जुन के सर पर, दोनों उल्टा करके सोए हुए, और अर्जुन का चरण को कौन पलट रही है? लक्ष्मी पलट रही है, कौन? रुक्मिणी। और कृष्ण का चरण को पलट रही थे द्रौपदी, है द्रौपदी पलट रहा है, हाँ, किसकी? कृष्ण की द्रौपदी और अर्जुन का रुक्मिणी। इतने में जो वहां पर गए ना, देखा श्री अर्जुन का जो रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा है, जिसका रोम से कृष्ण कृष्ण प्रकट हो रहा था, और नारद तो सुनकर के प्रेम में विवर हो गए, और बिना बजाते बजाते नारद जी है बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जिनकी रोम रोम से कृष्ण। इसलिए जब उनकी नींद खोली देखा नारद नाच रहे हैं और जिनकी रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा था। इसलिए कृष्ण कौन? भगवान है, लेकिन कृष्ण क्या करते, इनका दूत बन जाते हैं। शांति दूत बनकर कौन गया था? दूत का काम कौन करता है? छोटे जाति का व्यक्ति, लेकिन कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए हैं। बोले एक समय दुर्योधन आकर के जो महाभारत युद्ध हो रहा था, दुर्योधन आकर के खूब उन्होंने भीष्म को खारी खोटी बात सुना दिया, बोले हमारे मूल शत्रु तो पांडव, लेकिन भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा किया? बोले भैया पांडवों को मैं नहीं मार सकता हूँ, ये पांडव के सिवाय सबको मार सकता हूँ। बोले असली शत्रु तो पांडव, आप बोल दो पांडवों को नहीं मार पाओगे, और अर्जुन कितने हमारे सैनिक को मार रहा है, बेकार आपको हमने सेनापति पद में बड़ी खारी खोटी सुना दिया। इतने में पितामह भीष्म तो ताव में आ गए,
ले ठीक है, एक काम करना, कल तुम अपना पत्नी दुर्योधन का पत्नी का नाम क्या था? अरे बोलो, दुर्योधन का पत्नी का नाम भानुमती, क्या नाम है? याद रहेगा भानुमती, अब बोल नहीं पाए इसलिए भानुमती। बोले देखो एक काम करना, मैं जब सवेरे भजन करके मैं जब उठता हूँ ना, भजन शक्ति है, 12 महाजन में एक महाजन को ने भीष्म, मैं सवेरे उठ करके हैं, मैं जब सवेरे भजन से उठता हूँ, मैं जो कुछ वरदान दे देता हूँ वो सत्य हो जाता है। मैं सवेरे सवेरे भजन से जब उठूंगा तो अपना पत्नी भानुमती को लेकर के आ जाऊँ, फिर तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती बाबा। पत्नी जब अखंड सौभाग्यवती कब बनेगा? पति जिंदा रहेगा तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा? बोले ठीक है, कृष्ण तो चिंता में पड़ेगी, कृष्ण को तो सब पता है। इसलिए महाभारत युद्ध से पहले मैया कुंती पांडवों को ला करके ले, बोले कृष्ण मैं अपना 5 बेटे को तुमको हवाल कर रहा हूँ, तुमको मैं 5 बेटे दे रहा हूँ, तुम ही रखा करना। बोले बुआ जी कोई चिंता मत करो, विश्व ब्रह्मांड अगर प्रलय हो जाएगा ना, तुम्हारी 5 बेटे का एक बाल भी बांका होने वाले नहीं, इसलिए जा के रखे साइया मार सके ना कोई। उन्होंने प्रतिज्ञा किया भगवान ने, लेकिन वो कह रहे अखंड सौभाग्यवती कौन बनेगा? भानुमती, फिर तो पंच पांडव महाराज जाएंगी। इतने में कृष्ण प्लानिंग बनाए, ए कृष्ण इंद्र को आदेश दिया। इंद्र कौन है? अर्जुन का पिताजी इंद्र। बोले ऐसे बारिश बरसाओ ना मुरसा से, घर से कोई निकल नहीं पाए, ए इंद्र आदेश दे दिया, अनचास पवन को आंधी तूफान को, ऐसे बारिश करो घर से जो कोई बाहर नहीं निकल सके। बड़ी जोर से बतास बह रहा था, आंधी तूफान बारिश। इतने में कृष्ण बोले द्रौपदी निकलो। बोले इतना बारिश में कहाँ बुला रहे हो? बोले बात ज्यादा मत करो, तुम जल्दी निकलो, हाँ बात मत करो, जल्दी अपना ड्रेसिंग करो, श्रृंगार करो और निकलो। दुर्योधन ने देखा इतनी तेजी बारिश कभी आता नहीं था, अचानक कैसे आ गया। हर पितामह भीष्म ने बोले अपना पत्नी भानुमती को लेकर के आ जाओ, हैं? बोले तो अपना घर के आदमी कल जाऊंगा, आज नहीं तो कल जाऊंगा। लेकिन कृष्ण तो ले गए द्रौपदी को, बोले जल्दी चलो, रात में बैठा है घना घोर बारिश में ले चले। और जब उतरे, कब देखना कभी जूता देख करके ना पता चल जाता है ये कौन व्यक्ति, जूता देख करके ना कौन कैसे जूता, जूता से कृष्ण ने किया कि द्रौपदी को जो जूता थी ना उसको लेकर अपना बगल में दबा दिया कृष्ण भगवान, पता नहीं चले कौन आई है। बोले देख द्रौपदी एक काम करना, पितामह भीष्म को प्रणाम करना और घूंघट को ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा नीचे कर लो और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे अखंड सौभाग्यवती भाव। जब ये आशीर्वाद दे देंगे ना उनको, पता तो भानुमती आएगी, फिर उसको बाद में घूंघट को निकालना। बोले पितामह अपने वरदान दिया इसको ध्यान रखना, है ध्यान रखना। इतने में द्रौपदी गई अपना जोर से थोड़ा घूंघट उतार करके, कृष्ण जूता को लेकर बाहर खड़े हो गए। बोले जाओ पितामह भीष्म को प्रणाम करो। अब पितामह भीष्म भजन कर रहे थे, भजन करते जब अपना भजन का जब उनको ध्यान टूटी, इतने में आशीर्वाद दिया तुम अखंड सौभाग्यवती भव। जब आशीर्वाद दिया ना, इतने में अपना घूंघट को उतार दी। बोले पितामह जी आपने जो वरदान दिया उसको थोड़ा ध्यान रखना। बोले तू कौन हो? अरे तुम कौन हो? बोले द्रौपदी। बोले तुम कैसे आ गई? वो तो आने वाली थी। कौन? भानुमती। तू कैसे आ गई बताओ, तेरे साथ में कौन आया? बोले नटखट लगता हूँ, नटखट आया है, हाँ वो कृष्ण आया है। इसलिए बोले देखो उसको इच्छा गोबर एक पता भी नहीं हिलता है, उसको इच्छा गोबर किसकी इच्छा काम नहीं करता। इसलिए कृष्ण इनके लिए पांडवों के लिए इसलिए कहते हैं ये हरिदास है, ये भगवान की दास है। उन्होंने कृष्ण क्या नहीं किया, जिस समय है जिस समय फिर उन्होंने कभी गाली दिया पितामह भीष्म को, अर्जुन इतने सैनिक मार रहा है, भीष्म पिता पर आ गए। बोले कल पांडवों खत्म कर दूंगा, इनके लिए स्पेशल 5 बाण बनाऊंगा, जो बाण का अचूक है इसको कोई तोड़ नहीं सकते हैं। सचमुच से उन्होंने 5 बाण बनाया, 5 बाण बनाकर कल खत्म कर दूंगा। अभी युद्ध हो रहा था, दिन भर युद्ध होते 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 क्या होता है, परिश्रांत, रात भर सो जाते फिर युद्ध करना, सबके सब तो सोए हुए लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही। कृष्ण प्लानिंग कर रहे इधर से उधर इधर से उधर, कृष्ण को नींद नहीं आ रही। यार सो रहे कौन? पांडव लोग सो रहे हैं, हाँ भक्त लोग सो रहे हैं, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही, ठाकुर को नींद नहीं आ रही है, हाँ जिनकी एक इच्छा पर
विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि जितने प्रलय हो जाए, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही है। इसलिए एक उदाहरण दिया, जीनी बालक राखे मेहतारी, गोस्वामी उदाहरण देते हैं। जैसे एक माँ अपना बच्चे को जैसे रक्षा करती हैं, अगर बच्चा अगर माँ की गोद में सर रख करके सो जाए ना, वो निश्चिंत होकर सो जाता है। क्यों? किसकी किसकी गोद पर सो रहा है? किसकी गोद पर? माँ की। बच्चा निश्चिंत होकर माँ की गोद में सो जाती है, हैं? इसलिए कहते जिन्हें बालक राखे मेहतारी, माँ जैसे अपना बालक को रक्षा करता है, जो भगवान की चरण में शरणा मतलब शरणागत की इतने महत्व है, जो ठाकुर की चरण में शरणागत हो जाए ना, भगवान उसको जरूर रक्षा करते हैं। विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए लेकिन भक्तों का विनाश नहीं होता है। इसलिए सो रहे हैं भक्त, लेकिन नींद किसको नहीं आ रही है? भगवान को नींद नहीं आ रही, प्लानिंग बना रही इधर सीधा इधर बचे, भगवान को चैन नहीं, और भक्त सो रहे आनंद से। इतने में कृष्णा जाकर के अर्जुन बोले, अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। अर्जुन कह रहे क्यों विरक्त कर रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते थक गया, रात को सो रहा हूँ, कल सवेरे फिर युद्ध करना पड़ेगा, तुम उठा रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? बोले अर्जुन अभी सोने का समय नहीं। बोले क्या हो गया? बोले पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाया, कल सवेरे कल युद्ध में तुम 5 को खत्म कर देगा। बोले अच्छी बात है, न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा, कृष्ण का 5 भक्त थे मर गए। बोले यही तो चिंता है, चिंता तो हमारी यही है, हैं? मैंने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्त का विनाश नहीं, लेकिन मेरे भक्त विनाश हो जाएगा, इसलिए मेरे को नींद नहीं। मतलब कितने एक भक्त अगर प्रभु की शरण में चला जाए तो कितने फायदा, देखो कितने फायदा है। बोले यही तो चिंता की विषय, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे भक्त मर जाएंगे, इसलिए बोले उठो। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले तेरे को याद होगा जिस समय ये चित्रसेन कहते गंधर्व लोग आकर के दुर्योधन को पकड़ कर ले जा रहे थे, क्योंकि ये लोग तुम लोग अपमान करने के लिए आए थे, पांडवों को जो वनवास हो गया था उसी समय तुमने ही उनको बचाया था, और उसी समय दुर्योधन प्रसन्न होकर के बोला था क्या वर मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा, तुमने बताया समय आने पर मांगूंगा, इस समय आ गया, जाओ तुम एक काम करो, दुर्योधन से दुर्योधन का ड्रेस मांग करके ले आओ। अब वो ड्रेस ऐसे है ना, जो जिसका ड्रेस पहन लेते हैं वो ऐसे लगते हैं, दुर्योधन का ड्रेस पहन करके आ जाओ और पितामह भीष्म के पास में जाओ रात में, और थोड़ी गला की आवाज को थोड़ा बदला करके दुर्योधन की जैसे, बोले पिताजी आप क्यों अपना बच्चों को मारोगे, बदनामी हो गया, 5 बाण मुझे दे दो, इतना काम कर दो। अर्जुन तो ऐसे कर दिया, अर्जुन ऐसे कर दिया। थोड़ी देरी बाद में आया दुर्योधन, दुर्योधन जब आया पितामह भीष्म बोले अच्छा किया तुमने 5 बाण को ले लिया, तुम पांडवों को मार देना। बोले कौन सा 5 बाण? बोले कौन सा मतलब अभी अभी आकर तो लिया। बोले हे भगवान, इसलिए ये दुर्योधन अर्जुन आकर के मेरे ड्रेस को मांग करके लाया था। मतलब भगवान क्या नहीं करते हैं पांडवों के लिए। इसलिए कृष्ण जब अर्जुन से मिलते हैं गले से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? गले से मिलते हैं। क्यों? सख्य रस है उनको साथ में, सख्य रस है, लेकिन ऐश्वर्य मिला हुआ सख्य। लेकिन जब भीमसेन से मिलते हैं ना गले से नहीं, भीम का चरण छूते हैं, क्योंकि भीमसेन बड़े हैं कृष्ण से बड़े। और दुर्योधन से जब युधिष्ठिर से मिलते हैं ना, युधिष्ठिर का चरण धूलि कृष्ण स्वयं लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर में वात्सल्य भावना, कृष्ण के प्रति वात्सल्य भावना, सख्य भावना, लेकिन वो सख्य वात्सल्य जो भाव है ना वो थोड़ा ऐश्वर्य मिला हुआ, समझ रहे कि नहीं? ऐश्वर्य मिला हुआ मतलब है यद्यपि कृष्ण उनसे छोटे हैं, लेकिन होने पर भी उनको पता कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। लेकिन जो ब्रज में जो वात्सल्य है ना, वहां पर ऐश्वर्य भावना नहीं, शुद्ध वात्सल्य है। मैया जैसा कान मोल देती है, उनको डपटती है, डांटती है, चोर चोटे बोलती है और गाली देती है, क्योंकि वहाँ शुद्ध वात्सल्य है। लेकिन यहाँ पर वात्सल्य रस है, लेकिन वो थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रित ये वात्सल्य है। इसलिए इनको जब राजस्व उन्होंने यज्ञ किया, उन्होंने विश्वनाथ राजस्व यज्ञ किया। बोले क्यों राजस्व यज्ञ किया? बोले एक उद्देश्य है, जो अग्र पूजा किसको होगी, नियम है ना, जो बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर आए हुए थे, अब महाभारत देखे होंगे, बोले अग्र पूजा एक श्रेष्ठ व्यक्ति का अग्र पूजा होनी चाहिए, लेकिन वहां पर अग्र पूजा उन्होंने किसको करवाए? कृष्ण को उन्होंने अग्र पूजा। बोले अगर कोई सबसे पहले किसकी पूजा हो सकती है? कृष्ण को ही। जहां पर शिशुपाल दंत बकरे नाराज हो गए और दुर्योधन आदि नाराज, बोले ग्वाला गैया को पीछे डोलने वाले
हैं मक्खन चोर को तुम लोग अग्र पूजा कर रहे हो, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग रहते हुए हाँ वहां पर उन्होंने शिशुपाल को उन्होंने भगवान वहां मारे थे, लेकिन पांडव इसलिए यज्ञ कर रहे थे जिसको द्वारा कृष्ण की महिमा सारा दुनिया में कृष्ण की महिमा बढ़े, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कौन सा भक्त, हरिदास है, हरिदास है उसको ऊपर में, और एक भक्त है हरिदास बर, हाँ और हरिदास बर्ज्य कौन है, श्री गिरिराज गोवर्धन, इसलिए ये कैसे हरिदास बर्ज्य और उद्धव जी कैसे हरिदास बर है कल हम इस विषय पर श्रवण करेंगे, लेकिन आज हमारे गुरु वर्गो में एक विशेष गुरु वर्ग श्री भक्ति रखक श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज का आज जन्म तिथि है, आविर्भाव तिथि है, सबरे हम लोग ने कुछ कथा हम लोग ने सुने थे और कुछ कथा सुनेंगे, हमारे बीच में श्री श्यामानंद प्रभु जी उनको विषय पर उन्होंने थोड़ी बहुत उनको ऊपर में प्रकाश डालेंगे, हमारे श्यामानंद प्रभु आप खड़े हो जा, खड़े होकर के ये थोड़ी सी बोलेंगे, थोड़ी सी आप लोग घूम जा, कौन इधर कोई जगह है, हाँ उसको ऊपर उठा दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल 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 गौरवंदे हरि हरि बोल। ज्ञान श्रीराम दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री अषद शिखौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सतसी श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सतसी भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, और आज जिनका शुभ आविर्भाव तिथि है नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सतसी श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णववृंद भक्तवृंद श्रोतमंडली समस्त चरणों में अधम का यथाजी के दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है कार्तिक, यद्यपि हमारे गौड़ीय वैष्णव में विशेष महत्वपूर्ण है, तो श्रील गुरुदेव के एक लेक्चर आ रहा था तो इसमें बता रहे थे कार्तिक तो ऊर्जा व्रत है ही विशेष है, और सबसे विशेष बात है कि इसमें करीब 20 से 25 गुरुवर्गों का तिथि आता है ये कार्तिक के महीने में, शुरू के दिन से ही कार्तिक पूर्णिमा से शुरू के दिन से ही हमारे श्रील परम गुरुदेव का तिथि, उसके पश्चात प्रभुपाद के बहुत सारे पार्षदगण जिस प्रकार भक्ति कुशल नरसिंह गोस्वामी महाराज, भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, गौर किशोरदास जी महाराज,
भक्ति गौर वेखानंद गोस्वामी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, राधा कुंड के प्राकट्य तिथि इस प्रकार, और आज जिनका तिथि है भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की तिथि, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परम गुरुदेव भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, कितने सारे गुरुवर्ग का तिथि ही तिथि है। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर एक बात को बोलते हैं कि वैष्णव रे गुणगान करी ले जीवे त्राण सुनी आचे साधु गुरु मुखे। केवल जीव का एकमात्र उपाय क्या है, जीव का कल्याण का उपाय बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर अपनी भाषा में कि वैष्णव रे गुणगान, केवल वैष्णव का गुणगान करने से ही और उनका श्रवण करने से ही, उनके महिमा को श्रवण करने से ही क्या होगा, जीव के हृदय में धीरे धीरे वो भाव, वो सुकृति धीरे धीरे उत्पन्न होगा कृष्ण के, और वो जो सुकृति है धीरे धीरे उत्पन्न होगा, और केवल एकमात्र कल्याण का चीज बताया। तो आज जिनका तिथि है ये प्रभुपाद के समस्त शिष्यों में अन्यतम है, इनके बड़ा विशेष भारी महिमा है। और श्रील प्रभुपाद ने विशेष करके इनके इनको बहुत सारा उपाधि दिया था, और जिस प्रकार आज सुबह गुरुदेव बता रहे थे भक्ति रक्षक, भक्ति को जिन्होंने रक्षा किया, भक्ति हमारे जो संप्रदाय को जिन्होंने विशेष करके रक्षा किया, ये कौन है, इनका नाम से ही पता चलता है, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। किस प्रकार प्रभुपाद के मनोविष्ट को, विशेष करके गुरु के मनोविष्ट को जान करके किस प्रकार सेवा किया जाता है, गुरु का जो वाणी को किस प्रकार जगत में प्रचार किया जाता है, इनके जीवन चरित्र में देखा जाता है। किसी समय श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ अवस्था में थे, और श्रील प्रभुपाद ने बोले कि कुरुक्षेत्र में राधा रानी आने वाले हैं। प्रभुपाद का एक बस वाणी था, कुरुक्षेत्र में राधा रानी आने वाले हैं। तक्षणात वहां पे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और पूज्यपाद भक्ति देवानंद गोस्वामी महाराज खड़े होकर लगेज पैक करके चले गए। तो बहुत सारे लोग वहां पे मठ में थे, उनको समझ में नहीं आया प्रभुपाद किस बात को बोलना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र में राधा रानी आने वाले हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कुरुक्षेत्र में राधा रानी कब आते हैं, सूर्य ग्रहण के समय पे यहाँ पे स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में ये पांडव के लोगों के साथ कृष्ण भी आए और जितने भी ब्रजगोपी सबके सब कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए थे। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार क्या भाव दिखा रहे हैं प्रभुपाद को, वाणी को एक सेंटेंस को लेके उन्होंने कैसे समझ गए श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, और तुरंत ही कुरुक्षेत्र चले गए। और जैसे ही कुरुक्षेत्र जाते हैं, कुरुक्षेत्र का एक विशेष महिमा है, वहां पे जागतिक लोग क्या जानते हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कि नहीं, और विशेष करके कुरुक्षेत्र में स्नान करने, वहां पे कुंड है और स्नान करने में बहुत, गुरुदेव बोलते हैं बहुत ठंडा पानी भी है वहां पे, ठंड के समय स्नान करना बड़ा मुश्किल बात है वहां पे कुरुक्षेत्र में। और बोलते हैं कि वो एक बार जो स्नान कर लिया ना, अश्वमेध फल का प्राप्त होता है, लेकिन ये तो केवल स्मार्त ब्राह्मणों के लिए, स्मार्त मतावलंबी के लिए, ज्ञानियों के लिए, लेकिन भक्ति का क्या महिमा है, भक्ति का किस प्रकार का महिमा है, इसको प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इंगित मात्र किया कि कुरुक्षेत्र में राधा रानी आने वाले हैं, इसका मतलब कुछ दिन में सूर्य ग्रहण आने वाला है, तुम लोग दोनों जल्दी करके कुरुक्षेत्र चले जाओ। तो कुरुक्षेत्र जैसे ही जाते हैं, वहां पे विशेष करके श्रील प्रभुपाद का चार प्रकार का विशेष सेवा है, एक मृदंग सेवा, बृहत मृदंग सेवा, पत्रिका सेवा और चित्रजल्पिका सेवा। चित्रजल्पिका सेवा यानी विशेष प्रकार के प्रदर्शनी आदि करते हैं, श्रीमन महाप्रभु के लीला, श्री कृष्ण लीला आदि को, जिस प्रकार कृष्ण ने काल्य दमन लीला किया, अगासुर बकासुर को आदि लीला किया, उस सब लीला को चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, वहां पे सजा के रखते हैं। जैसे यहाँ गिरिराज जी का पट चित्र है, गिरिराज जी किस प्रकार गोवर्धन धारण कर रखे हैं, तो इस लीला के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार इंद्र यहाँ पे उनके चरणों में स्तुति कर रहे हैं, तो ये चित्र के माध्यम से फिर कथा सुनवाते हैं। तो वहां पे भी किस प्रकार राधा रानी कैसे आए थे, और राधा रानी कैसे आके कृष्ण से कैसे मिलन हुआ, और कृष्ण से मिलन होने के बाद कृष्ण किस प्रकार सखाओं से मिलन कर रहे हैं, कृष्ण किस प्रकार सखियों से मिलन कर रहे हैं, किस प्रकार उनके ब्रज के जो भाव है, ब्रज के जो प्रेम है, उनसे एक एक करके कृष्ण मिलन कर रहे हैं, उस भक्ति क्या, उस प्रकार उसका जो महात्मा क्या, उसका जो तारतम्य है, उसको समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जगत के जीव को, उस शिक्षा को समझाने के लिए श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कुरुक्षेत्र भेजा। और जैसे कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, ये 1936 की बात है, उस समय वहां पे कोई रुकने का व्यवस्था नहीं था, तो श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी
तुरंत ही प्रभुपाद एक बार बोल दे, बस प्रभुपाद एक बार बोल दे, जिस प्रकार हमारे परम गुरुदेव के वाणी में हम श्रवण करते हैं ना, चलो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद एक सेवा देते हैं और कभी पूछते नहीं कि विनोद बिहारी तुमने ये सेवा कर लिया क्या, कभी पूछे नहीं कि विनोद बिहारी तुमने ये सेवा किया कि नहीं, पूछते नहीं। जैसे ही इसलिए प्रभुपाद ने परम गुरुदेव को एक सेवा दिया और परम गुरुदेव ने वो सेवा करके प्रभुपाद के पास आते हैं तो प्रभुपाद कंफर्म होते हैं कि विनोद बिहारी ये सेवा नहीं करके मेरे पास खाली नहीं आएगा, कभी पूछते नहीं, दोबारा सेवा दे देते हैं, दोबारा भेज देते हैं। उसी प्रकार तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने एक बार बस बोल दिया कि तुम लोग कुरुक्षेत्र चले जाओ, प्रणाम करके ही चले गए। और वहां पे क्या जाके वहां पे कोई व्यवस्था नहीं था, किस प्रकार गुरु सेवा किया गुरुवर्ग ने दिखाया जाता है। हम लोग क्या करते, गुरुदेव कहीं बैठते हैं, हम जाते हैं वहां पे, कैसे रूम का व्यवस्था होगा कि नहीं, खाने का व्यवस्था होगा कि नहीं, वहां पे अमुक शर्मा जी है तुमको आके ड्रॉप कर ले जाएंगे, वहां पे ऐसे ऐसे गाड़ी में चला जाना, सब व्यवस्था तो गुरु जी ही कर देते। लेकिन भक्ति रखक सीधर गोस्वामी महाराज जी किस प्रकार, प्रभुपाद ने बोल दिया तो तुरंत चले गए और जाके जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंचे ठंडी के समय और वहां रुकने की व्यवस्था नहीं है, पहुंचते पहुंचते रात हो गया, एक पुल के नीचे वहां दोनों के दोनों श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति रखक सीधर गोस्वामी महाराज दोनों के दोनों वहीं नीचे रह गए उस पुल के नीचे। और रात में वहां पे बारिश हो गया बहुत तेज, अब इतने बारिश में और इतने भयंकर ठंड हो रहा है, भयंकर ठंड में और बारिश में इनके पास कपड़े भी नहीं है, इस पात्रा में रहने के तो व्यवस्था नहीं, खाना पीना तो छोड़ ही दो। इतने में एक दूसरे को गुरु प्रेम, गुरु भ्राताओं के प्रति प्रेम दिखाते हुए एक दूसरे को आलिंगन करते हैं ताकि थोड़ा उस गर्म मिल जाए। और वहां पे जैसे तैसे करके वहां पे 20 दिन रुके, कितना 20 दिन रुके, और जितने भी यात्री आते थे सबको एक एक करके वो प्रदर्शनी और पटचित्र के माध्यम से सबको समझाया, पटचित्र लेके गए थे और पटचित्र लेके वहां पे किस प्रकार वो पटचित्र खराब ना हो जाए, वो फोटोज खराब नहीं हो जाए, फोटो अगर खराब हो जाएगा तो प्रभुपाद का प्रचार कैसे होगा, तो उसको खराब ना हो जाए अपने उत्तरी गल वस्त्र निकाल करके उसको लपेट दिया। तो श्रील गुरुदेव भक्तिवान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एक बात को बोलते हैं कि बहुत प्रकार का सेवक होते हैं, सात्विक सेवक, निर्गुण रामसिक सेवक, तामसिक सेवक, लेकिन जो निर्गुण सेवक होते हैं, कृष्ण जिस प्रकार का सेवा किया, यहाँ पे कृष्ण के जितने भी सेवा के भावना उनके भक्त के हृदय में संचारित करते हैं, कृष्ण के सकल शक्ति कृष्ण भक्त हृदय संचारे। तो बता रहे हैं कृष्ण किस प्रकार का सेवा किया, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जब कृष्ण थे तो उनके गुरु माता ने एक समय उनको लकड़ी लाने के लिए भेजा था, तो जंगल में जाते लकड़ी लाने के लिए, लकड़ी चयन करते हैं और वहां पे बारिश हो जाता है, तो अपने उत्तरी पीताम्बरी को वो कपड़े में लकड़ी को लिपटा रहे हैं। यद्यपि भगवान के एक दृष्टि से, भगवान के भय से सूर्य चंद्र भय भयभीत हो जाते हैं, एक दृष्टिकोण से भगवान बारिश किया वो सब रुक सकता है, फिर भी यहाँ गुरु सेवा का आदर्श दिखा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे श्रील भक्ति रखक सीधर गोस्वामी महाराज जी ने भी सेवा किया। इस प्रकार से भक्ति रखक सीधर गोस्वामी महाराज जी का जैसे ही वहां पे कुरुक्षेत्र में ये प्रचार होके जैसे ही लौट के आते हैं, तब न्यूज़पेपर में निकला कि प्रभुपाद के दो शिष्य श्रील भक्ति रखक सीधर गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज कुरुक्षेत्र में राधा रानी का ऐसा ऐसा बात को, तो उस समय न्यूज पेपर में 10 पेज में निकला था, तो उसको देख के प्रभुपाद इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोल रहे हैं तुमने आज वास्तविक, प्रभुपाद का वाणी है, बोले तुमने आज वास्तविक रूपानुगत्य का प्रचार किया इस जगत में, जिस चीज को मैं नहीं कर पाया, ये प्रभुपाद का दिन था। बोले तुमने आज वास्तविक रूप गोस्वामी के आनुगत्य में हम इस जगत में यहाँ पे क्यों आए हैं कि राधा रानी का उस भाव को, राधा रानी किस प्रकार कृष्ण से मिलन करते हैं, किस प्रकार उनका विरह है, उस चीज को तुम लोगों ने प्रचार किया जो आज तक भी मैंने नहीं कर पाया। तो इतने प्रसन्न हो गए और इनके महिमा में आता है, एक समय इन्होंने अंबाला गए, और बड़ी अच्छी बात है ध्यान से श्रवण करना, एक समय अंबाला गए, तो अंबाला जाने के बाद वहां पे उनके स्टेशन के जो मास्टर है, स्टेशन का जो इंचार्ज है, उनसे उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। उस समय उनका ब्रह्मचारी नाम था रामानंद प्रभु, श्री भक्ति रखक सीधर गोस्वामी महाराज जी का। तो ब्रह्मचारी अवस्था में जैसे ही वहां पे जाते हैं, दिखने में भी बड़े हट्टे कट्टे और बड़े लंबे थे, और इतने उनका जो तेज था, बोले दर्शन नारी बड़े सुंदर दिखते थे। तो बोलने की जैसे ही गए वहां पे अंबाला में, तो अंबाला में हरि कथा कीर्तन किया, और हरि कथा कीर्तन करने के बाद उसमें, उस समय अंबाला में अपने आप को भगवान बोलने वाला एक लड़का एक था, जो खुद को भगवान बोलता था,
तो स्टेशन मास्टर ने श्री भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज जी से बोला कि आप कृपा करके हमारे यहाँ का एक भगवान को देख के आ जाओ। यद्यपि उनको इच्छा नहीं है इन सब जागतिक चीज में, फिर भी अपसिद्धांत को खंडन करना है कि नहीं, जगत में जितने भी अपसिद्धांत है उसको खंडन करना है। वैष्णव यद्यपि इन सब चीज में विशेष करके ध्यान नहीं देते, चलो रूप गोस्वामी पाद के पास किसी ने विजय पत्र लिखने के लिए आया कि मुझे विजय पत्र कर दो, तो रूप गोस्वामी पाद ने विजय पत्र लिख के दे दिया। रूप गोस्वामी पाद कहाँ से रूप गोस्वामी पाद और कहाँ पंडित, कहाँ रूप गोस्वामी पाद जैसे धुरंधर पंडित। भक्त लोग क्या सोचते हैं कि हमें इन सब चीज से कोई आवश्यक है ही नहीं, फिर भी अपसिद्धांत जगत में क्या करना है उसको खंडन करना है, इसलिए वहां पे गए। जाके देखते हैं उनको, उनके सारे शिष्य लोग वहां पे बैठे हैं और भगवान सिंहासन पे बैठे हैं और भगवान बनके वो बांसुरी एक हाथ में पकड़ करके वहां पे अम्बाला में वो बैठ करके पूरा माला वाला तुलसी उलसी लेके उनका आरती चल रहा है। तो उसी समय जैसे ही राजेश शर्मा बोल के इनका नाम भी आता है, अम्बाला का जो उस समय क्या उनका जो स्टेशन मास्टर था, इनके साथ गए पूज्य पाद भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज। तो जाके देखे, जाके देखने के बाद स्टेशन मास्टर ने बोला कि भगवान प्रभु कृपा करो और आपके भक्त आपसे मिलने आए हैं। तो सब लोग आ गए तो भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज जी बोले कि तुम्हारा परिचय, कृपा करके आपका परिचय हमें बताइए, आपका परिचय हमें बताइए। तो इतने सुन के उसने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, आई एम लॉर्ड कृष्ण, आई एम मोहम्मद, आई एम जीसस क्राइस्ट, जो जितना संप्रदाय है जो जो भगवान है जानता था सब बोल दिया। अब इतने में श्री भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल सुस्त हूँ, मैं बिल्कुल सुस्त हूँ, इन लोगों की तरह पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सुस्त हूँ और आप भी सुस्त की तरह ही बात करना, पागलों की तरह बात मत करो। तो इतने सुन के भगवान तो गुस्सा में हो गए और भगवान को गुस्से में देखे, भगवान के जितने चेले थे वहां पे खड़े हो गए भगवान को बचाने के लिए आगे। तो वो सब जितने चेले थे देखा कि गुरु के ऊपर क्या हो रहा है कि उनके ऊपर कोई युक्ति तर्क कर रहा है कि आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं। तो शिष्य बोले, अरे आप किस प्रकार का बात कर रहे हो, भगवान से कोई ऐसे बात करते है? तो वहां पे जो स्टेशन मास्टर ने थे उन्होंने बोले, देखिए ये जो आपके भगवान है ये तो भगवान है ही है, ये उनको पता है, लेकिन ये भक्त है। अब आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, अभी भगवान और भक्त के बीच में वार्तालाप चल रहा है, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तब इसी प्रकार जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला तो श्रील भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज जी ने एकदम से उनको हाथ को पकड़ा और बता तुम्हें क्या क्यों करते हो, एकदम से डांट लगाया। तो महाभागवत का जो लक्षण होता है, महाभागवत जैसे स्पर्श करते हैं वो साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। वो प्राकृत जगत के वो महाभागवत कहाँ राधा रानी के दासी, कहाँ महाप्रभु के एक पार्षद थे जो छड़ी से पिटाई करते थे प्रेम प्राप्त होता था, तो कहाँ इस प्रकार का अप्राकृत जगत के जो महाभागवत और उनके स्पर्श भी साधारण बात नहीं है। तो जैसे उनको स्पर्श किया तो उसका सारा भगवानपन धीरे धीरे उतर गया, एकदम से भगवानपन उतर गया और वो खुद बोल रहा है कि मैं क्या करता था ना, जो स्वाधीनता संग्राम होता है ना, जिस समय आंदोलन चल रहा था उसमें मैं भाग लिया करता था, मैं अपने जीवन में बहुत सारा क्या किया, बहुत कष्ट सा, लेकिन किसी समय मेरे पत्नी का अस्वस्थ हो गया और देखा जैसे ही मेरे पत्नी का अस्वस्थ हो गया और मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे पत्नी को कोई पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा ऐसा चीज कर लूँ जो सारे के सारे मेरे चरणों में आके गिरे, इसलिए मैं क्या किया ना यहाँ पे भगवान भगवान बोल के यहाँ पे बैठ गया। और एक जगह पर भी इस प्रकार का शिला भक्ति रखे सिद्ध गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में आता है, किसी के उनके गांव में जब बाल्य अवस्था में थे, पूज्य पाद महाराज जी के बाल्य अवस्था में थे, शिव जी के बड़े भक्त थे और उनके घर से 2 किलोमीटर दूर गंगा था, उनका नाम था रामानंद, तो रामानंद ऐसा कुछ था, तो रामानंद प्रभुपाद ने दिया, उससे पहले भी उनका कुछ नाम था रामेंद्र, उसके बाद प्रभुपाद ने रामानंद दे दिया था। तो बाल समय की बात है कि किसी समय उनके गांव में एक भूत लग जाता है किसी को, तो ऐसा स्थिति होता है कि वो क्या करता है, संध्या होते ही अपने बड़े बड़े केसों को खोल करके ऐसे बिखरना शुरू कर देता है और जैसे ही बिखर लेते हैं पूरा शुरू करता है, उसे देखने के लिए गाँव के मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा कर जाते हैं, भीड़ जमा जाते हैं और भीड़ जमा जाते हैं उसी स्थान पर सब लोग आ जाते हैं।
और आके वहां पे क्या करते हैं, उसका सास क्या करते हैं, उसका चरण धोना लगता है, उसका पति उसको आरती करना लगता है, उसका ससुर उसको फूल माला आदि देना शुरू कर देता है, और इसी प्रकार का बहुत सारा का सेवा चर्चा करते हैं। तो एक दिन सिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज उसी गांव के ही थे, तो बोले कि चलो देख आते हम भी कौन सा देवी देवता लग गया है भाई, देख के आ जाए। तो गए देखने के लिए, देखा शाम होते ही उसने अपने चोटी को ऐसे खेच करके पूरा हिलाना शुरू किया, और हिलाते ही उसका सास चरण धोना शुरू किया, उसका पति आरती करना शुरू किया, और उसका जो ससुर आदि जितने भी घर परिवार थे वो सब करताल मृदंग बजाना शुरू किया, बोले जय देवी माँ आ गए, और इतने में भूत आ गया और सारे गांव के लोग उसमें मन्नत मांगने आ गए। तब इतने में भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी बोले मैं अभी छड़ा देता हूँ, अभी इनका ठीक करता हूँ। बोले बैठ गए, बैठ करके तो पहले अच्छे से बोले, बोले तुम्हारा परिचय क्या है, ठीक से बताओ तुम्हारा परिचय क्या है, कहाँ से आए हो, किस प्रकार आते हो। हमारे श्रीकांत प्रभु यहाँ है, जानते हैं भूत को किस प्रकार पिटाई करते हैं। तो छड़ी से बड़ा डर लगता है, एक डंडा पकड़ा सिलो भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने, एक डंडा पकड़ करके बोलते हैं कि तुम अभी बताओगे कि नहीं, डरा दिया धमका दिया, कुछ बोल ही नहीं रहे। बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा खून जूस लूंगा। अब इतने में सिलो भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के भी सर में ऐसे घूमना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, तो सारे गाँव के लोग तो ऐसे ही डरे हुए थे एक से। अब इन्होंने लगा भाई इसके भूत कहीं इसमें ट्रांसफर ना हो गया। अब भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज ने जैसे ही ऐसा करना शुरू किया तो वो तो बोल रहा था मैं भूत हूँ, फिर भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज थोड़ा दौड़ कूद करके बोलते मैं हनुमान हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना अभी मार दूंगा डंडा और तुम्हें भगा दूंगा। जैसे ही डंडा मारना शुरू किया उसने चरण में गिरा, भाई मुझे कोई भूत प्रेत नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया मुझे कोई भूत प्रेत नहीं लगा हुआ है। तो इसी प्रकार किसी समय इसी प्रकार अपर सिद्धांत का बड़ा खंडन किया, और कहीं कहीं वर्णन आते श्री प्रभुपाद के नाम से किसी को झाल लगा देते थे, श्री प्रभुपाद के पटचित्र को किसी को स्पर्श करा देते थे, प्रभुपाद के प्रसादी माला समाधि से उठा के किसी के शरीर में किसी को गले में डाल देते थे, तो वहां से उसका सारे दुख सारे व्याधि कष्ट निवृत्त हो जाता था। इसी प्रकार इनका महिमा है जगत में, जितने भी अपर सिद्धांत है इनको इन्होंने खंडन किया। और एक जीवन चरित्र में इनका आता है, किसी समय बंगाल के सिलेट बोल के एक स्थान पे हमारे श्री परम गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, उस समय सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, और शिलो भक्ति दैत्य शिलो माधव गोस्वामी महाराज, उस समय शिलो हयग्रीव ब्रह्मचारी, और शिलो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने प्रचार में गए थे। तो प्रचार करते करते जैसे ही गए उस स्थान पे, तीन दिन का धर्म सभा था, और तीन दिन का जैसे ही धर्म सभा था तो वहां इस प्रकार प्रचार का जो महिमा है, कैसे किस प्रकार प्रभुपाद के शिष्य में, किस प्रकार प्रभुपाद के एक एक शिष्य में उतना निर्भीकपन निर्भीक गुण, और किस प्रकार का उतना ब्रीफली वो निर्भीक रूप में वो कथा को बोलते हैं। तो श्री परम गुरुदेव ने तो पहले ही बोल दिया, वहां पे रामकृष्ण मिशन का बड़ा विस्तृत प्रचार था, तो श्री परम गुरुदेव ने बोल दिया कि रामकृष्ण मिशन ये मुर्गी मिशन है, और जो विवेकानंद है वो मूर्खानंद है। तब इतने सुन के जितने भी उनके भक्त लोग थे वो तो भड़क गए, भड़क करके वहां केस कर दिए, बोले ये बाबा लोग कहाँ से आ गए और हमारे रामकृष्ण भगवान विवेकानंद भगवान को इस प्रकार का बात कह रहे हैं। अब इतने में दूसरे दिन श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, देखो वो तो बोल दिया लेकिन हम अभी दो दिन का तीन दिन का हमने प्रोग्राम फिक्स किया है, आगे से हम उनको माइक नहीं देंगे। तब उसके पश्चात जैसे तैसे करके वहां पे राजीनामा हो जाता है, और होने के बाद वहां पे किस प्रकार श्री भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज सबसे पहले खड़े होकर बोलते हैं कि हम लोग केवल प्रभुपाद और हम लोग केवल श्रीमन महाप्रभु के संदेह वाहक है मात्र। क्या बोल रहे, हम लोग केवल वी आर जस्ट ए मैसेंजर, हम लोग क्या है, केवल मैसेंजर दूत है, उस जगत के जो बात है उस जगत के जो विचार है उसको हम क्या करते हैं यहाँ के लेके आते हैं। व्यास जी ने जिस भाव को लिखा, श्री रूप गोस्वामी ने जिस भाव को लिखा, उस भाव को हम केवल बोलते हैं। अगर इसमें किसी का आपत्ति हो तो सीधा रूप गोस्वामी पास चले जाए, अगर इसमें किसी का आपत्ति हो तो सीधा व्यास जी के पास चले जाए, उनसे कंप्लेन करें, हमसे कोई द्रोह मत करो। तो इसी प्रकार का जो निर्भीक वाणी सुन के वहां पे बहुत सारे लोग, फिर जब बड़े बड़े विद्वान थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया, युक्ति तर्क किया, पूरा
पूरा का पूरा वहां पे एक एक करके कैसे कैसे हराया वो सारे बात है। बड़ा ये समय है समय नहीं है। अंतिम में एक बात मैं और बोल देता हूँ, और इस प्रकार अनेक स्थान पे गया गए और श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने एक स्थान पे तो गए और वहां पे मुंबई में गए। मुंबई में एक पीएन मैनेजर बोल के था जहाँ पे एक एडवोकेट का बड़ा एक सभा चल रहा था, उसी सभा में उनको केवल 15 मिनट समय दिया गया था। तो उसी 15 मिनट के समय में ऐसे ऐसे बात बोले बोल दिए कि भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है और ना ही भगवान को कोई पा सकता है नहीं जान सकता है, 15 मिनट में ही बोल दिया। तो जो जो सभापति थे तो बोले भाई अब 15 मिनट में यही बोले कि भगवान को पाना बड़ा मुश्किल बात है, आपने ये तभी ही छेड़ दिया, बड़ा गंभीर बात बोल दिया। तो आप बता भगवान को ना कोई जान सकता है ना कोई जना सकता है, तो आप लोग ये साधु रूप धारण करके भजन करने क्यों जाते हो? घर छोड़ने का क्या आवश्यक है? श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ऐश्वर्य जैसा संपत्ति, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, अप्सरा जैसा दिव्य पत्नी, उनको भी छोड़ के किस प्रकार वैराग्य दिखा करके भजन किया, तो आप लोग क्यों जाते हो? तब वहां पे श्रील भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज ने बोला भगवान को जानना भी बड़ा सरल है और बड़ा सिंपल बात है। तो वहां पे जितने वकील सब बैठे थे, पूज्यपाद महाराज जी ये पहले वकील थे, एडवोकेट थे, तो बोले आप तो कोई सन्यासी जैसे लगने रहे हो, आप तो वकील जैसे बात कर रहे हो, अभी बोल रहे थे भगवान को जानना और जनाना बड़ा मुश्किल बात है, अभी बोल रहे हो जानना बड़ा सरल बात है, एक दो तरीके बात कर रहे हो। तो मुझे बात भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज बोले मैं क्या करूं, आपने मुझे 15 मिनट का समय दिया, उस 15 मिनट में मैंने केवल एक ही पक्ष को बोला है, उसके आगे वाला पक्ष को मैंने केवल तो अभी तक बोला ही नहीं। तब वहां पे जितने भी एडवोकेट थे, बड़े बड़े एडवोकेट थे, वहां पे सब खड़े होकर बोलते हैं आपको भी एक घंटा बोलना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि मैं तो यही चाहता था, मैं तो यही चाहता था, अब इसलिए मैंने एक ही पक्ष को बोला ताकि आप मुझे समय दो और मैं प्रभुपाद का उस वाणी को निर्भीक कंठ में आपको क्या करूं सुनाऊं। तब तो वहां पे एक घंटा किया, बोलते बोलते 4 घंटा हो गया, बेल बज गया और बात कथा खत्म नहीं हो रहा। फिर वहां पे 4 दिन तक मुंबई में वहां पे प्रोग्राम किया और वहां पे सबको भगवान के भक्त में लगा दिया। वहां पे एक विशेष करके वहां से एक फील्ड क्रिएट किया, बाद में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को वहां भेजते हैं और वहां पे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी प्रचार करते हैं। आज जो जुहू मुंबई में जो इस्कॉन है ना, वो वहां पे पहले श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने ही वो फील्ड को क्रिएट किया था, जहां विश्व में आज इतना प्रचार है। तो इस प्रकार का प्रभुपाद के वाणी के लिए प्रचार के लिए प्राण भी देते, प्राण भी देने के लिए प्रस्तुति है हमारे गुरुवर्ग के आदर से। और हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में तो इनका बड़ा महिमा है, किस प्रकार हमारे गुरु परम गुरुदेव को इन्होंने सन्यासी दिया है। हमारे परम गुरुदेव के तो हम कथा श्रवण भी करते हैं, फिर उनमें नहीं जाएंगे। परम गुरुदेव खुद बोलते हैं ये मेरे स्वयं शिक्षा गुरु पाद पद्म है, ये परम गुरुदेव का वाणी है, बोलने प्रभुपाद के पश्चात इन्होंने ही मुझे विशेष करके पालन पोषण किया है। तो परम गुरुदेव को भी इन्होंने विशेष करके कृपा किया। और श्रील भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने यद्यपि ये किस प्रकार प्रभुपाद के अंतरिंग शिष्य है, इन्होंने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज दो चीज को लिखते हैं, दो चीज और बोल देता हूँ, इनका महिमा तो विस्तृत है, दो चीज और बोल के कथा को खत्म करता हूँ। दो चीज है, तो एक चीज बोलते हैं श्रील भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का दो शिक्षा हमको, देखो हर समय गुरुवर्ग के तिथि में कुछ ना कुछ शिक्षा को ग्रहण करना ही चाहिए। बोले दो शिक्षा, क्या दो शिक्षा है? एक शिक्षा ये है सदैव उग्र सभा, हर समय श्रेष्ठ वैष्णव के संग करना चाहते हैं, करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस बात को हर समय बोलते हैं, संग किस लेवल में होता है? संग अपने लेवल में हो जाएगा भक्ति में और डामाडोल संग हो जाएगा, नीचे लेवल में करोगे तो भक्ति में घटोगे। संग हर समय ऊंचा लेवल तक, हमसे जो आगे भजन करता है, हमसे जो सिद्धांत तत्व में आगे है, उसका संग करना चाहिए। हर समय हमको उच्च संग करना के, उच्च संग के लिए प्रयास करना चाहिए। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को पूछते हैं, जिस समय असुस्थ लीला थे उसी समय पूछते हैं कि महाराज जी हमें तो श्रेष्ठ संग प्राप्त नहीं होता। तो श्रील भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं जो व्यक्ति ये इस भावना को केवल ले लेता कि हमें श्रेष्ठ संघ प्राप्त नहीं होता, केवल हृदय में केवल इच्छा रखे कि हमें श्रेष्ठ संघ प्राप्त हो, इसको निश्चित ही रूप में क्या होगा, एक ना एक दिन उसको श्रेष्ठ संघ निश्चित रूप में प्राप्त होगा। इसका एक उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि मान लो कोई इस जगत इस जीवन में क्या कर रहा है,
कंठी तिलक धारण किया, गुरुदेव से नाम लिया, थोड़ा बहुत भजन कर दिया और इस जीवन में केवल ड्यूटी मारा। जैसे ड्यूटी मारते ना कंपनी में, इतने टाइम से इतने टाइम मंगल आरती टाइम हो गया, उस कोई भी भाव नहीं है गुरु वैष्णव के प्रति, कोई भी सेवा का उद्देश्य नहीं है, केवल ड्यूटी मारा। तो उसको भगवान कृपा करके क्या करेंगे, कंठी तिलक तो धारण किया है, उसको क्या करेंगे भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में, सुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट न विजायते, उसको क्या करेंगे अच्छे सुंदर बना देंगे, नहीं तो वैष्णव घर में जन्म देंगे, वहां फिर उसको फिर वो ड्यूटी मारने वाला वैष्णव के साथ जन्म देंगे, फिर वहां ड्यूटी मारेगा, फिर वहां पे ड्यूटी मारते मारते फिर वैष्णव ऐसे घर में जन्म देंगे जहां पे वो ड्यूटी मारते मारते उसका लेवल धीरे 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 घटते आएगा। लेकिन इस जन्म में अगर हम लोग बोलते हैं ना गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जी के समय हम अगर प्रकट हो जाते, हम मेरा अगर पैदा हो जाता तो मैं बड़ा सौभाग्य होता, मैं प्रभुपाद को देख लेता, हमारा इतना सौभाग्य है नहीं। हमारे सामने अगर रस्ते में जा रहे हैं और गौर किशोरदास बाबाजी महाराज छद्म रूप में आ रहे हैं, पहचान पाएंगे उनको, भाव को देख पाएंगे, पाएंगे ही नहीं। तो उसी प्रकार हमारा अभी स्थिति इतना है नहीं। तो बता रहे इस जन्म में अगर गुरु वैष्णव के कथा श्रवण करते करते अगर हम संग अपने संग को कथा के माध्यम से अगर स्ट्रांग करेंगे, वो धीरे धीरे दूसरे जन्म में क्या होगा थोड़ा उच्च संग, तीसरे जन्म में क्या होगा उच्च संग, ऐसे करते 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 एक दिन फिर भगवान के धाम कोई ना कोई वैष्णव लेके ही जाएंगे। और दूसरी बात बोले, हर समय कीर्तन का सुर ताल नहीं देखते हुए, ये उनका पुरस्पष्ट वाणी है, हर समय कीर्तन का सुर ताल नहीं देखते हुए कीर्तन का जो रचयिता और कीर्तन का जो गूढ़ भाव है उसको ऊपर विशेष रूप में ध्यान देते हुए कीर्तन करना चाहिए। क्या हर समय कीर्तन का सुर ताल नहीं देखते हुए कीर्तन का रचयिता और कीर्तन का जो गूढ़ भाव उसको ऊपर विशेष रूप में ध्यान देके कीर्तन करना चाहिए। देखिए श्रील प्रभुपाद के समय अप्रकट के समय श्रील प्रभुपाद ने अस्वस्थ अवस्था में है और बोले कि श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बुलाओ और बोले कि एक उनको बोलो उनके द्वारा मैं कीर्तन सुनना चाहता हूँ। यद्यपि श्रील प्रभुपाद के इतने सारे पार्षद हैं श्रील भक्ति कुंज संत गोस्वामी महाराज और अन्य अन्य बड़े बड़े पार्षद हैं, बड़े बड़े धुरंधर कीर्तनिया हैं और इनको इतना सुर करताल सुर ताल इतना पता ही नहीं है, विशेष करके पता नहीं है, फिर भी श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं कि मैं उनके माध्यम से ही कीर्तन सुनूं। और अंतिम में जो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के अप्रकट के समय श्रील सिरूप मंजरी पद से मुर संपद, ये भाव को प्रभुपाद देखना चाहते हैं, ये कीर्तन को नहीं, किस भाव में ये गान कर रहे हैं कि हमें रूप गोस्वामी का उस चरण कमल का कभी प्राप्त हो, कभी हम उस रूप गोस्वामी के आनुगत्य में युगल किशोर की सेवा कर पाए, इस भाव को प्रभुपाद देखना चाहते हैं। और श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने भी अप्रकट समय में उनके एक शिष्य हमारे उड़ीसा के श्रील भक्ति विजय पुरुषोत्तम तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, तो उनके समय में संध्या के समय में वो क्या कर रहे हैं इसी कीर्तन को ही कर रहे हैं जोर जोर से, श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, और कीर्तन करते करते ही श्रील महाराज अप्रकट हो गए। जिस प्रकार प्रभुपाद को इन्होंने कीर्तन सुनाया था श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी पद, वो कीर्तन सुनते सुनते जिस प्रकार प्रभुपाद अंदर ध्यान कर गए थे, इन्होंने भी उसी मात्रा उसी प्रकार श्री अपने एक शिष्य श्रील भक्ति विजय पुरुषोत्तम तीर्थ गोस्वामी महाराज जी से उसी कीर्तन का श्रवण करते करते अप्रकट लीला किए। तो इस प्रकार इनका बड़ा विशेष महिमा है, आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है और इनके जीवन में तो बहुत बहुत सुबह भी हमने गुरुदेव से मुखारविंद श्रवण किए और भी बहुत सारा जीवन चरित्र श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी तो कितने विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं। और हम लोग जब पूरी में थे करीब 7-8 दिन तक ये बात को चर्चा होता था और इनका बड़ा विशेष महिमा है गुरुवर्ग, ऐसे गुरुवर्ग जो हम सबके ऊपर विशेष रूप में कृपा करें, हम सबके ऊपर कृपा करते हुए हम गुरु वैष्णव के किसी ना किसी जन्म में सेवा करके उसी भाव को उसी एम को समझ पाए जो गुरुदेव इस जगत में देने के लिए आए और हमारे हृदय में कभी सेवा का भावना जागृत हो, ये सब प्रार्थना मैं अपने गुरुदेव के चरण में करता हूँ। बांछापतिम पावने Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari 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 Ram
प्रभुपाद की गिरिराज महाराज की भक्तिरघस्रधर गोस्वामी महाराज की जय। गौर ब्रह्मानंदे। अभी आप लोग सो कथा में चलो, बहुत लेट हो कथा में चलो ठीक।